All right, guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. Let's start with Godi number 5. अभी लेटेस्ट डिस्कवरी है गोदी मीडिया की, सुनो बड़ा मजा आएगा। याद है रामायण में एक बंदा था जो हर कैरेक्टर कर लेता था, वो कभी राक्षस तो कभी समुद्र देव तो कभी ये कभी फलाना ढिकाना, कभी सुंदरी भी बन जाता। वैसे एक बंदा गोदी मीडिया में भी है। ओके, जस्ट चेक आउट हिम ऑन डिफरेंट विंडोज। एजुकेशनलिस्ट, एक्सपर्ट इंडियन ओशन, के सिद्धार्थ एनवायरमेंटलिस्ट, के सिद्धार्थ अंतरिक्ष वैज्ञानिक, के सिद्धार्थ आरएसटीवी पे, उसके बाद के सिद्धार्थ सामरिक रणनीतिकार, के सिद्धार्थ भू वैज्ञानिक, के सिद्धार्थ एक्सपर्ट इंडियन ओशन रीजन। अब ये जियोलॉजिस्ट बन गए और गोदी मीडिया में ऐसे ही चल रहा है। अब ये मनोज वाजपेयी को देखो, खुद ही मना कर रहे हैं कि नहीं ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ओके गाइस, दिस इज अ प्रिंटेड न्यूज दैट ही इज गोइंग टू प्ले इन विकास दुबे'स मूवी और समथिंग, एंड ही सेड नॉट ट्रू ऑन हिज ट्विटर हैंडल। तो ऐसे ही चल रहा है जी गोदी मीडिया का कारोबार। वो मूवी याद है तारे जमी पर, अभी मीम इंडस्ट्री ने नई रिलीज की है भड़वे जमी पर। चलो जी गोदी नंबर 4। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय। ही इज अननेसेसरली पॉपुलर इन इंडिया नाउ। Why? Because of Godi Media. सुशांत की आत्मा से बातचीत का दावा करने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने जो खुलासा किया है। अरे भोसड़ पप्पू, तुझे सब पता है। अरे क्या फन फनी की सरकार है, लवड़ा का सरकार है। इस भोसड़ पप्पू की शक्ल देख के लोगों को सबसे पहले जॉनी सिंह याद आता है, वो तो बेचारा चलो मेहनत की खाता है। चलो छोड़ो, पर ये चूतिया बिना बात के फेमस हो रहा है, मतलब क्यों? Why? Because of Godi Media. I mean, look at this sansani chutiapa. Paranormal expert ने जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। अबे ये उंगली मत दिखा भोसड़ पप्पू, ये उंगली अपने कान में डाल, कान साफ कर और ध्यान से सुन। चूतिया तू है। John, do you have a message for everyone watching today? You know, calling Sushant spirit and talking to his spirit is complete nonsense. Please do not support this nonsense. But this guy is getting popularity because of Godi Media, because of news like this. Steve का दावा है कि उन्होंने सुशांत की आत्मा से बात की है। मैं बता रहा हूँ प्रैंक, गोदी मीडिया किसी काम का नहीं है। अंधविश्वास, आत्मा से बात, फलाना ढिकाना, यही करेंगे क्योंकि सच्चाई ये लोग दिखाते नहीं है। तो इस भोसड़े वाले को फेमस करने का पूरा क्रेडिट गोदी मीडिया को जाता है। हमारे यहाँ के लोग इसके चैनल पे जाके इसकी वीडियो के नीचे लिख रहे हैं कि और बात करो, और बात करो। लॉकडाउन में लोगों को कुछ काम है भी नहीं। खुले में हगना बंद करो। अब गोदी नंबर 3। ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुमेन इक्वालिटी ऑन न्यूज चैनल्स। यस, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। मैं नहीं जानता इस डिबेट में कौन गलत है कौन सही, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया घंटा, पर मैं यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। आपने आदमियों को सिगरेट पीते देखा, गाली बकते हुए देखा, कुछ तो महिलाएं करें। और यस यस यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नुपुर शर्मा, या शी वाज टॉकिंग टू एन ओल्ड मैन। आई मीन चेक दिस आउट, जैसे बीएसटी की बसों में औरतें बुड्ढों को धमकाती ना, अबे बुड्ढे घर की दुक्या दुक्या तेरे को। अरे थोड़े दिन रुक जाओ, न्यूज चैनल्स पे गैंग्स ऑफ वासेपुर शुरू हो जाएगी, ऐसे बात करेंगे पैनलिस्ट। No, let's fit her into the panel. And yeah, she was also saying sadak chap buddha and all. Just listen to it carefully. Arey, sadak chap, aadmi hai, buddha. You know, she was like buddha sadak chap, and he was like, I don't want to talk to this fisher woman. Fish, and will fisher. You please stop this from her? Or buy fish from her. 50% And now see the drama of Arnav Bachchan. I mean, angry young man trying to be. You know something, Rajiv Desai. Now you be careful. You said, would you stop her or go buy fish from her? You are calling Nupur, who is a qualified lawyer. पर आप देखो इस पूरी गाली गलौज और ड्रामा के पीछे किसकी गलती है? किसकी गलती? किसकी गलती है? इसकी गलती। Godi number 2. Okay guys, this week we got a news about Rafale and we all are really happy about it. It's going to strengthen our air force and it's a really amazing thing. We all are really happy. Sir, ये तो gold है. But we should see the standard of our journalism now. शुक्रिया सबीना, तो इस वक्त मैं रणविजय राफेल में मौजूद हूँ. राफेल में मौजूद हूँ. आप देख सकते हैं जिसके कॉकपिट में मौजूद हूं, और यहाँ पर बैठने के बाद
जो ताकत का एहसास होता है वो शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन I mean, I have no words to describe this type of reporting. Right now, we are fighting with so many problems. Assam floods, farmer issues, falling GDP, crumbled healthcare system, rising cases of COVID-19, unemployment. Par nahi, is bhai ko Rafael udana hai, wo bhi gardan ke saath. Tum jaise chutiyon ka sahara hai dost. इतना बड़ा फुद्दू खिंचवाया, याद है वो हमारे कौवे ने किया था, 12 रुपए के मोजे हाथ में पहन के एस्ट्रोनॉट बना था वो। इतनी ट्रोलिंग के बाद भी ये न्यूज चैनल वाले नहीं सुधरे। मैं भी इस सूट को पहनकर ये अनुमान लगा रहा हूँ कि चांद पर जब इंसान रहेंगे तो कैसे रहेंगे। चूतिया तो तू है। You know guys, what is scary in this? People are watching this shit. जो ताकत का एहसास होता है वो शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। But आज तक should also do something, so they did this. मतलब राफेल तब तक तो इंडिया पहुंचा भी नहीं था और ये लोग बैठ भी गए। राफेल 4.5 जनरेशन का फाइटर है जिसे 4++ भी कहते हैं, और लोग बोल रहे थे इतनी खूबियां बता रहे हैं, फ्रांस वाले सोच रहे हैं कि सस्ते में दे दिया इंडिया को। जबकि अमेरिका जैसे देश 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का करते हैं It was not even funny. I mean, that was disgusting, man. I mean, that was disgusting. It's an insult. खुले में हगना बंद करो। Go the number एक। Now one more abusive debate, and we have a habit of it now. इसमें मैं आपको बताऊं कि गाली कहां से चली है, किसे लगी और क्या रिएक्शन हुआ, ये जरा मुझे बताना पड़ेगा प्लीज। तो क्या हुआ कि ये बात यहाँ से शुरू हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, शांत कराइए, ये लगातार कौवे की तरह बोले जा रहे हैं। अब रुक जाओ, उसे बोला कौवे की तरह काव काव मत करो, कौवे की तरह बोले जा रहे हैं, कौवे की तरह काव काव वो चौरसिया साहब को बोल रहा था, पर वो भाई ने ले ली। और फिर देखो कैसी गंदी 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 बातें हुई है, छी छी छी, इतना स्कूटू वाला तो सुअर तो गाय हो जाएगा, जिस दिन मेरे हाथ लग गए इतने जूते मारूंगा कि तुम एकदम सुअर से गाय हो जाओगे। एंड नाउ लीव एवरीथिंग, When they were fighting, just check out the face of Mr. Deepak Chaurasia. मतलब कौवे के चेहरे पे सुकून कैसे है, जैसे किसी का घर जला के आ रहा हो। मतलब बिल्कुल पूरे देश को लड़ा देंगे हम। छी छी छी, कैसे हो गए हमारे न्यूज चैनल। Now he was like, cut it this is not that and that. अपने आप को सेक्युलर धर्म का मैसेंजर कहते हैं, तुरंत काटिए आप इनको। But did you check it? The health of Mr. Deepak Chaurasia? I mean, जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। मतलब नेशनल टीवी पे प्रेजेंट करते हैं, मतलब यहाँ तक चर्बी भर गई है, थोड़ी देर बात और ज्यादा कर लेंगे तो मुंह से गुटका निकल आएगा। छी मान छी, तो ये हालत है भाई। So yeah, that was this week's Godi. Subscribe the channel and yeah, enjoy the song. Get the fuck out of here. Let me clear you, we are not supporting any political party here. We are against bad journalism. I will show you two Arnabs. देखो जी, जो पलघर में संतों के साथ हुआ था वो गलत हुआ था, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई, केस चल रहा है, अर्नब ने उसको बहुत ही क्रिमिनल ट्विस्ट दिया था, याद है वो कुछ बातें बोली थी, रिमेम्बर दैट। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती, मैं पूछता हूँ अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्ण तो आपकी पार्टी। मतलब पता, अड़ी अजीब दुनिया है, एकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, जिंदगी बदल गई। सुना तो अर्णब गोस्वामी सोनिया गांधी इंटरव्यू कर, अर्णब गोस्वामी सोनिया गांधी इंटरव्यू कर। इन दिस क्लिप ही सेइंग इट वाज ड्रीम कम ट्रू, मेनी थिंग्स हैपन इन योर करियर व्हिच यू डोंट प्लान, सो योर करियर मूव्स लाइक दैट, बट आई रिमेंबर दैट मोमेंट। इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती, अर्णब गोस्वामी सोनिया गांधी इंटरव्यू कर। बट दिस इज नॉट द गोदी नंबर 3। The Godi number 3 is actually a slap on Godi media by the legend. Yes, Mr. Bachchan is corona positive and he is in the hospital right now. But Godi media played this thing. Part of good news, we are hoping to get an official word that Amitabh Bachchan is now fully recovered. ये बात झूठ है, fake news है।
अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, ये बात बताए किसने बोली? किसने? खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया. या मिस्टर बच्चन ट्वीटेड दिस एंड सेड एंड चट दिस न्यूज इज इनकरेक्ट इरिस्पॉन्सिबल फेक एंड इनकरेक्टेबल लाइ एंड चट गुड दे शुड स्टॉप फॉलोइंग मिस्टर बच्चन नाउ. Now, Godi number two. Now, let's talk about some banned China movement. Okay? People were throwing their TV from their balconies. सबसे ज्यादा किसी की बुंड में आग लगी थी तो गोदी मीडिया. मतलब आग मूत रहे थे, बैन चाइना, ये चाइना, वो चाइना. चलो ठीक है, हमने उनके ऐप बैन करे. ग्रेट न्यूज दैट जियो इज कमिंग विद द 5G. बट लुक वॉट ABP ट्वीटेड. चेक दिस आउट. आज सस्ता स्मार्टफोन वन प्लस नॉट लॉन्च हो रहा है. इसके साथ ही कंपनी अपने पहले ट्रू वायरलेस एयरफोन्स वन प्लस बड्स भी पेश करेगी. जाने क्या है इन बड्स की खूबियां? अब भोसले वालों शर्म कर दो, खुद बैन चाइना करते हो और जाके वन प्लस का एड अपने ही ट्वीट पे लगाते हो. पैसा दिखता है इनको, कोई राष्ट्रभक्त नहीं है ये. हिंदू ना मुसलमान हमें बेमान. And now, Godi number one. Okay, guys, this Godi is amazing. I mean, they are going step by step. Trust me, थोड़ा बिगाड़ेंगे फिर बर्बाद हो जाएंगे और फिर कहीं के नहीं रहेंगे. मैं बताता हूँ. देखो, याद है वो अमेरिका का दलाल बहनचोद. After that, abuse is a really normal thing on the Godi media. And last week I showed you Mr. Abhigyan was smoking during a debate. अरे अब तुम बहुत जल्दी देखोगे Godi मीडिया की डिबेट खिड़की पे लोग नहाना धोना भी कर रहे हैं. हमें खाना तो शुरू हो ही चुका है, देखो तो सही.